ये अभी नेताओं के भरोसे भैया नहीं है, अब जो ये लड़ाई है युवा जो है वो लड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग है वो हमसे जुड़ने की कोशिश करे, क्योंकि कोई भी क्रांति आज तक किसी ने की है किसी भी प्रकार की तो वो युवा ने की है। तो इसलिए मेरा बार बार सभी से है कि नाम याद रखिए वीर ही निर्माण सेना। दूसरा, आप जिस प्रकार से दिन भर में देखता हूँ आप ग्रुप में जोड़ देते हैं, तो भैया आप ग्रुपों में इतने में जोड़ देते हैं, मुझे बाहर होना पड़ता है तो इतने ग्रुपों के अंदर मैसेज नहीं पढ़ सकता। व्यक्तिगत मैसेज मैं कोशिश करता हूँ सबके पढ़ने की, फ़ोन की भी मैं कोशिश करता हूँ, सारे तो नहीं अटेंड कर पाता लेकिन फिर भी कोशिश रहती है। तो ज़्यादा ग्रुपों में ना जोड़ें, ग्रुप हम बनाएंगे, एक बार आप सभी के डाटा आ जाए, सभी की डिटेल आ जाए। हाँ, गरीब खुद सोचना पड़ेगा भैया। मैं ये कहता हूँ कि गरीब को जो है ज़िंदगी के अंदर, मैं अपनी ये जो उम्र हो गई, इस उम्र के अंदर मुझे आज 25 से 30 साल होगी लड़ाई लड़ते लड़ते। भैया मैं भी गरीब घर का ही हूँ, बड़े घर का नहीं हूँ, लेकिन किसी के भरोसे पे कभी नहीं लड़ा। आप जो लड़ाई लड़नी आप अपने दम पे लड़िए भैया, हम भी कह देंगे साथ हैं और दूसरा भी कह देगा साथ है। देखो मैं सच कहता हूँ, कई बातों कई चीज़ों कड़वी लगती है मुझे, लेकिन वक्त पड़ने पे आप अकेले ही खड़े मिलेंगे, ये ध्यान रखिए, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरे पास कितने ही लोग आते हैं भैया, मंच पर खड़े होते हैं, मैं आपको आज सच्चाई बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसे भी हुआ है, आप भी बताऊँगा मैं आप लोगों को सब चीज़ें, कि बड़े बड़े मंच सजते हैं किसके, यादवों के बताऊँगा मैं, यादवों, क्योंकि यादव हूँ तो यादव ही बुलाते थे, यादवों के बड़े बड़े मंच सजाए जाते थे, वहाँ मुझे बुलाते थे, मंच के ऊपर फ़ोटो हो गई, अखबार वाले ने फ़ोटो खींच लिया, जैसे उसके बाद में जो मंच पे जो बुलाने वाले और फ़ोटो खिंचाने वाले ये नहीं देखते थे कि तेज बहादुर कहाँ है। सच्चाई है ये, किसी ने नहीं पूछा कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपके पास जाने का वापस किराया है नहीं है, किसी ने नहीं पूछा भैया। तो सभी के साथ यही होता है, आपको फ़ोटो खिंचा, आप कोई काम कर दीजिए, आप किसी नौकरी में लग जाइए, आपको सम्मान के लिए फट बुला लेंगे, आप कोई अधिकारी बन जाइए, आपको सम्मान के लिए फटाफट बुला लेंगे। आज आपसे भूख से मर रहे हो, मैंने कितने लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास फ़ोन किया, यादव महासभा के लोगों के पास, कि गुजरात में कुछ एक आदमी है जो फंसे हुए हैं, उनका थोड़ी व्यवस्था करो, कह रहे भैया लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते। मैंने राजस्थान में भी फ़ोन किया, महाराष्ट्र में भी फ़ोन किया, किसको, यादव महासभा वालों को, जवाब क्या मिला, अरे भैया यहाँ तो लॉकडाउन है। तो भैया गरीब का साथ कोई नहीं देता है, ये आप याद रखिए, गरीब जो है और इस हालत का जिम्मेवार भी जहाँ तक है मैं उसे खुद को ही मानता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ इस हालत का जिम्मेवार मैं खुद हूँ, क्योंकि बेवकूफ़ हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ता हूँ, नहीं अच्छे भले 50 करोड़ रुपए बीजेपी दे रही थी बनारस के अंदर, मैं भी लेके बैठ जाता आराम से 50 करोड़ रुपए, मेरी तो 7 पीढ़ी ख़त्म होना नहीं था। अनिल जी एडवोकेट साहब नमस्कार, गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, और मैंने कल जो आपसे जो चर्चा की थी इसके बारे के अंदर, अगर भाई मैं वीर ही निर्माण सेना बढ़ा रहा हूँ, मैं इसीलिए चर्चा की थी क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर पूरे दिन लोगों के फ़ोन आते हैं जो बाहर में लोग हैं, और मैं उसके बाद में क्या है कि जो नज़दीक यादव महासभा है, क्योंकि दुनिया भर की यादव महासभा है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, भैया आपके क्षेत्र में वो लोग फंसे हुए, लेकिन वो कोई मदद नहीं करता, मुझे दुख होता है कि अगर दी हमारा खुद का कुछ संगठन होता, हमारा खुद का सारा सब कुछ होता तो। महेंद्र मोदी पूछ रहे हैं जीते ही क्यों, महेंद्र मोदी तेरा बाप मोदी को सामने लिया, मैं बता दूंगा मोदियों के तो पिछवाड़े में दम नहीं है जो मुझसे टकर ले शेर से, अब बीच में दिमाग खराब मत कर। बीजेपी लिख रहे सरकार, भाई FIR करती है, करने दो यार, कितनी के FIR करेंगे आपके ऊपर, क्या FIR करेंगे, करते रहो कितनी करेंगे, जब आप अपनी जगह सही है तो डरते किस लिए हो, कितनी FIR करते रहेंगे, जितनी करनी चाहो। चौधरी नितिन बालियान जय हिंद जी, जय हिंद। आप मुझे ये बताओ इस देश के अंदर कोई मर्द नेता है, मैं तो कहता हूँ सब साले हिजड़े हैं, एक भी सारा वो नेता ढंग का नहीं है, लेकिन तुमने किसी नेता का गिरेबान पकड़ के पूछा कि भाई हमने तुझे वोट दिया था इसके बदले तूने हमें क्या दिया, आज तक किसी ने पूछा है तो एक कोई नाम बता दो कि मैंने उस नेता का गिरेबान पकड़ा। भैया जब तक उसका गिरेबान नहीं पकड़ोगे, भाई एक बार वोट मांगने आ गया कुछ नहीं किया तो दोबारा आता है तो तब तो कम से कम उसका गिरेबान पकड़ लो, लेकिन जब गिरेबान पकड़ोगे नहीं, दूर से हाथ जोड़ोगे भैया तो यही मिलेगा तुम्हें।
एक पौए के अंदर आप दे दोगे 500 रुपये में वोट दे दोगे, एक बोतल में वोट दे दोगे, तो भैया यही होना है। और ये मत समझिए कि ये कोरोना का कहर ख़त्म हो गया, अगले महीने आज लिख लीजिए आप, अगले महीने से ये महामारी बहुत भयंकर रूप लेने वाली है, इसमें कोई वो नहीं है, जाके सितंबर में कहीं जाके शांत होगी, सितंबर तक ये ख़त्म होगी, ठीक है। राजू चौधरी जी मिलना चाहता हूँ भैया, रेवाड़ी में हूँ हरियाणा में भैया, ट्विटर पे भी हूँ लेकिन कम करता हूँ ट्वीट वगैरह, थोड़ा बहुत कर देते हैं फेसबुक से ही, आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है और कोरोना का मामला ख़त्म होता है भैया, सबसे वीर अहीर निर्माण सेना का मैं गठन कर रहा हूँ, जो भाई जुड़ना चाहते हैं वो अपना, मैं ऊपर नंबर लिखा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप अपना अपना जो है मैसेज भेज देना कि भैया हम साथ में काम करना चाहते हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है, मैं देखता हूँ कि कितने लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 1 या 2 महीने का समय है, ठीक है। तो आप सभी से कि भाई कह रहे हैं अमित शाह को काले झंडे दिखाए थे, भैया एक बात मैं कहूँगा बालियान जी आपसे कि मैं काफ़ी बार इस चीज़ों को कहा है कि इस तरह से काले झंडे रोड पे कूद के दिखाना ये कोई बहुत बड़ी मानता नहीं है। आप लड़िए तरीके से, हम लड़ रहे हैं 3 साल हो गए भैया, सिर्फ काले झंडे दिखाने से कुछ नहीं होगा। और जब आपने काला झंडा हिम्मत करके दिखा दिया आप पे कैसे, तो उससे लड़िए, आप किसी के आगे भीख मत मांगिए। आपने जो है जिस चीज़ को उठाया है वो लड़ाई आपने ही लड़नी है। अब जब आपने इतनी हिम्मत करके, इतना बहादुरी का काम करके आपने काला झंडा दिखाया बालियान जी, तो अब भी आप लड़ते रहिए निरंतर, आप पीछे मत हटिए, ठीक है भैया, आप लड़ते रहिए। हाँ इस चीज़ का है कि आपने लड़ाई शुरू की है कि धीरे 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 आपके साथ लोग भी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि सच्चाई की जीत अवश्य होती है। दूसरी बातें, आप 70 साल चिल्ला रहे थे, अब बहुत जल्द तुम जो 70 साल जो पहले थे ना हमारे मोदी जी, 70 70 70 70 चिल्ला के उसी 70 के पीछे जा रहे हो अब तुम, पता तो लग ही गया होगा सबको कि 70 और 72 साल के पीछे ही जा रहे हैं, हम आगे नहीं आ रहे। अब देश की जो हालात है, हमारी तो छोड़ दीजिए, सब बड़े बड़े देशों के घुटने टिके हुए हैं। तो इससे अंदर तो यही है, भाई कह रहे हैं सिर्फ अहीर सेना ही क्यों, साथ लेकर संगठन बनाओ, भैया सबके तो बने हुए हैं, जाटों का संगठन बना हुआ है, गुजरों ने बना रखा है, ठाकुरों ने अपना बना रखा है, ब्राह्मणों ने अपना बना रखा है। तो भैया मैं तो अहीर हूँ, तुम अहीर का ही बनाऊँगा। और ये तो है नहीं कि अहीर के अंदर सिर्फ अहीर रहेंगे, कोई भी आए स्वागत है उनका, कोई भी भाई जुड़ना चाहे, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भैया अहीर का ही होगा, सबके जुड़े हुए हैं। भैया भीम आर्मी बनी हुई है, करनी सेना बनी हुई है, नहीं बनी हुई तो बताओ। तो इसलिए मैंने भी अपना विचार किया है कि मैं जो है वीर अहीर निर्माण सेना बनाऊंगा अपनी, और हम लड़के दिखाएंगे। ये नहीं है कि ऐसे ही होगी हमारी सेना, वीर अहीर का नाम ही जब मैं सोच के रखा है तो उसके काम भी वीरों वाले ही होंगे भैया, वीर की तरह ही लड़के दिखाएंगे। और हर चीज़ को समय आने दीजिए, अब वक्त है बदलाव का, तो बदला जाएगा और बदल के दिखाएंगे, ठीक है। अभी से अनुरोध है कि जो व्हाट्सएप नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अपना नाम और पते के साथ व्हाट्सएप भेज दे जाइए, ताकि मैं ये कैलकुलेशन कर लूँ देश के किस किस हिस्से में लोग जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान इतना तो हमें ज्ञान हुआ है कि यादव महासभाएँ जो है कितना मदद करती हैं लोगों की, वो पता लग गया अभी हमें। तो इसलिए हमने निश्चित किया है कि भाई अब हम जो है अपना संगठन खड़ा करेंगे ही करेंगे। और बहुत से भाई बार बार कहते हैं जी पार्टी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उनकी जानकारी के लिए भी बता दूं, भैया कोई किसी पार्टी में रहे मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं, चाहे आप मेरे साथ हैं, चाहे आप बेशक बीजेपी में, चाहे कांग्रेस में, समाज, मुझे कोई दिक्कत नहीं। संगठन का काम अलग है, पार्टी अलग है। व्यक्तिगत तौर पे मैं खुद समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहूँगा। ये भी मैं, कुछ भाई शायद ये समझ लें
कि मैंने ऐसा कुछ है किसी किस पार्टी से हूँ, तो मैं अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर देता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा, लेकिन पार्टी एक जगह है, पार्टी अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, दोनों चीज़ अलग अलग है। समाज के अंदर समाज की बातें होंगी, पार्टी के अंदर पार्टी की बातें होंगी। कोई भी भाई किसी भी पार्टी में हमें किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहे, क्योंकि हर जाति के लोग, मैंने कई बार बार कहा है कि हर जाति के लोग हर पार्टी में होते हैं, तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो समाज के कार्य हैं वो हम एक बैनर के नीचे करना चाहते हैं, जो सामाजिक कार्य हैं, जो समाज हित में जो कार्य हैं वो हम अपने समाज के बैनर के नीचे करना चाहते हैं। बाकी राजनीतिक क्षेत्र में जो जिस पार्टी में अपना, उस पार्टी में अपना योगदान करें, किसी में भी रहे। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप छोड़ के हमारे साथ पार्टी में आ जाइए, ये भी नहीं कहते हम आपको। आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, आप जिस पार्टी में रहना चाहें आपको वही मुबारक हो, क्योंकि हमें किसी। और दूसरी बात कुछ है कि जब हम खुद किसी जाति का विरोध नहीं करते, तो गलती से भी, मैं बता रहा हूँ गलती से भी ये मत कर देना, वरना अभी थोड़े दिन रुक जाइए, घर में ढूंढ ढूंढ के मरने का काम भी करेंगे हम। जब हम किसी जाति या धर्म पे कोई कमेंट नहीं करते, तो हमारे ऊपर भी करना छोड़ दीजिए जो कुछ एक कर रहे हैं। अब समय रुक जाइए, ये ख़त्म होने दीजिए, कि मैं वो शिस्त दिला दूंगा कि हर गांव के अंदर, हर गांव के अंदर कम से कम 50 अहीर में ऐसे इकट्ठे कर दूंगा कि तुम्हारे घर में जाके मारेंगे हरामजादों, ध्यान रख लेना तुम। और मैंने ये प्रतिज्ञा ली हुई है ये, और मैं करके दिखाऊंगा। और एक फौजी आदमी कसम खाता है उससे पीछे नहीं हटता, गर्दन कट जाए लेकिन हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये भी क्लियर है कि हम हर जाति के हित के लिए कार्य करेंगे। कोई हमें ये कहे कि आप नाम बदल दो, तो भैया माफ़ करना, नाम हम नहीं बदलेंगे। हम अपने ही बैनर के नीचे, अपने ही झंडे के नीचे जाति के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अहीरों के लिए काम करेंगे, नहीं। जो भी पिछड़ा शोषित वर्ग है, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो पीड़ित है उसके लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण के वंशज हैं। यह हमारा इतिहास पीछे का रहा है, हमने अपने इतिहास जो है हमारा पीछे का, हम उसी पे चलना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने किसी का बुरा नहीं किया था, हर जाति को साथ लेके चले थे, तो हम उसी को अपना आदर्श मानते हैं और उसी को लेके और उसी को विचारों को लेके ही हम चलेंगे। ये भी हमारा क्लियर है किसी भाई को। तो भाई जो ये कमेंट में लिख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मैंने ऊपर व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, उसके ऊपर आप अपना नाम, जिला। और आपसे एक और भी अनुरोध है, अगर ये आप इतना कर सकते हैं, आप क्या कार्य करते हैं वो भी थोड़ा लिख दें तो हमें आसानी होगी, क्योंकि संगठन के अंदर जो ऑन सर्विस आदमी है उसको जोड़ने में या पद देने में समस्या आती है, तो हर तरह की सपोर्ट चाहिए। वो हमें बैकग्राउंड से सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि हमने जो समाज का कार्य करना, तो हमें हर क्षेत्र का आदमी चाहिए। हमें सर्विस वाला भी चाहिए, गरीब भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, पैसे वाला भी चाहिए, व्यापार वाला भी चाहिए, हर टाइप का आदमी चाहिए। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि यह चर्चा जितने भी साथी जुड़े हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, कम से कम भी नहीं तो मुझे 1 करोड़ लोगों के नाम और एड्रेस चाहिए, कम से कम 1 करोड़ स्टार्टिंग के अंदर मुझे। जब ये जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है, इसका हम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसका जब हम ओपनिंग करें, तो कम से कम हमें 1 करोड़ लोगों की लिस्ट चाहिए। यह आपसे अनुरोध है। अब ये आप कितना खरा उतरते हैं इसके अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और अब हमने ये लड़ाई बहुत हो गई नेताओं के भरोसे, अब ये भी याद रखिए, अब ये लड़ाई नेताओं के भरोसे नहीं, ये लड़ाई युवाओं के भरोसे। अब खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।